अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी फैक्ट्स। आईटी फैक्ट्स में आज हम डिस्कस करेंगे कि हम एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर मैं एमएस वर्ड की उन शॉर्टकट कीज को यूज़ करूंगी जो यूज़ होती हैं स्विच टू एन अदर व्यू। स्विच टू एन अदर व्यू के लिए जो शॉर्टकट कीज यूज़ होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे शॉर्टकट कीज मौजूद है, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है। सबसे फर्स्ट शॉर्टकट की यहाँ पर मौजूद है स्विच टू नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू के लिए हम कंट्रोल आर प्लस कंट्रोल प्लस एन का बटन जो है प्रेस करते हैं। स्विच टू आउटलाइन व्यू के लिए आर प्लस कंट्रोल प्लस ओ का बटन प्रेस किया जाता है। स्विच टू प्रिंट लेआउट व्यू के लिए आर प्लस कंट्रोल प्लस पी का बटन जो है प्रेस किया जाता है। मूव बिटवीन अ मास्टर डॉक्यूमेंट एंड द सब डॉक्यूमेंट, मास्टर और सब डॉक्यूमेंट के बिटवीन मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस ये जो अलामत है, ये जो साइन है, इसको इसका जो है प्रेस किया जाता है कीबोर्ड से। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे व्यू अ कॉपी टेक्स्ट फॉर्मेट। व्यू एंड कॉपी टेक्स्ट फॉर्मेट्स के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट कीज यूज होती हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मौजूद है शॉर्टकट कीज और देन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मौजूद है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर डिस्प्ले के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये स्टार का साइन जो है वो यूज़ किया जाता है, प्रेस किया जाता है। कॉपी फॉर्मेट्स के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का बटन प्रेस किया जाता है। पेस्ट फॉर्मेट्स के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का बटन जो है वो प्रेस किया जाता है। रिव्यू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस F1 का बटन जो है वो प्रेस किया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ कि आप ना वर्ड परफेक्ट कीवर्ड इक्विलन के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट कीज को यूज़ कर सकते हैं। ये शॉर्टकट कीज हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन है। एंड नोट के लिए आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ई का बटन प्रेस किया जाता है। फुट नोट के लिए कंट्रोल आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ का बटन प्रेस किया जाता है। कमेंट के लिए आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम का बटन प्रेस किया जाता है। एग्जिस्ट के लिए आल्ट प्लस F4 का बटन प्रेस किया जाता है। डेट कोड के लिए आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का बटन प्रेस किया जाता है। सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस ये इज इक्वल की अलामत जो है इस इक्वल का साइन ये प्रेस किया जाएगा। बोल्ड द टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ, इसके लिए कंट्रोल प्लस बी का बटन प्रेस किया जाएगा। फाउंट के लिए कंट्रोल प्लस डी का बटन प्रेस किया जाएगा। डिलीट टू राइट वर्ड बाउंड्री के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट का बटन प्रेस किया जाएगा। जस्टिफाई सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई का बटन प्रेस किया जाता है। इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई का बटन प्रेस किया जाता है। जस्टिफाई फुल के लिए कंट्रोल प्लस जे का बटन प्रेस किया जाता है। जस्टिफाई लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट का एल का बटन प्रेस किया जाता है। ये बटन उस वक्त प्रेस किए जाते हैं जस्टिफाई लेफ्ट एंड फुल जब पैराग्राफ होता है या कोई लाइन होती है। इंडेंट कंट्रोल प्लस, जब भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट होता है तो उसको अगर मैं फुली जस्टिफाई करना चाहती हूँ कंट्रोल प्लस जे, लेफ्ट की तरफ जस्टिफाई करना चाहती हूँ कंट्रोल प्लस एल, इंडेंट करना चाहती हूँ कंट्रोल प्लस एम और जस्टिफाई राइट करना चाहती हूँ कंट्रोल प्लस आर का बटन प्रेस किया जाता है। सुपर स्क्रिप्ट करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का बटन प्रेस किया जाएगा। डबल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का बटन प्रेस किया जाएगा। मार्जिन रिलीज करना है तो कंट्रोल मार्जिन को रिलीज करना है तो मार्जिन को रिलीज करने के लिए फ्रेंड्स आप जो है वो कंट्रोल प्लस फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको मार्जिन को रिलीज करने का बता रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारी शॉर्टकट कीज मौजूद हैं जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया एंड देन उस पर वर्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है मार्जिन को रिलीज़ करना। तो मार्जिन को रिलीज़ करना अगर है तो आपने कंट्रोल प्लस टी का बटन प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस टी का बटन प्रेस करना है। उसके बाद है डिलीट द वर्ड। अगर आपने वर्ड को डिलीट करना है इसके लिए आपने ये वाला बटन प्रेस करना है बैक स्पेस के साथ, ठीक हो गया। हेल्प के लिए F1 का बटन प्रेस करना है। डिलीट ब्लॉक के लिए F8 एरो की और डिलीट कोमा लगा है F8 का बटन, एरो की या कोमा, ये डिलीट का बटन आपने प्रेस करना है।
यहाँ पे कॉमे के साथ बताया गया, डिलीट टू लेफ्ट वर्ड बाउंड्री के लिए होम प्लस बैक स्पेस का बटन प्रेस कीजिए, ब्लॉक करने के लिए शिफ्ट प्लस एरो की को यूज़ करें, डिलीट टू एंड ऑफ पेज के लिए शिफ्ट प्लस डाउन एरो को यूज़ करें, डिलीट टू एंड ऑफ लाइन के लिए शिफ्ट प्लस एंड डिलीट का बटन प्रेस करें, शिफ्ट प्लस एंड और कॉमे के साथ यहाँ पे डिलीट लिखा हुआ है। उसके बाद रिवील कॉर्ड्स हैं, शिफ्ट प्लस F1 का बटन प्रेस करें एंड क्लिक करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसको डिलीट कर सकते हैं, इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमने कंप्लीट यहाँ पर वीडियो बनाई है एमएस वर्ड के बारे में, कंप्लीट वीडियोस बनाई है पार्ट्स के साथ, आप उनको देख सकते हैं। आप अपने शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करना सीख सकते हैं, एमएस वर्ड में बेहतरीन शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती हैं शिफ्ट के साथ और आल्ट के साथ, कौन सी माउस के साथ कौन सी और शॉर्टकट कीज यूज़ की जाती है, तमाम शॉर्टकट कीज़ के बारे में हमने डिटेल्स यहाँ पर डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स आप हमारी लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारी लास्ट वीडियो को भी आप बेहतरीन तरीके से वहाँ से सीन कर सकें। तो फ्रेंड्स हमारी यह थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।